अमानुल्लाह साहब किसे तारफ का मोहताज नहीं, सबनों पता है, वन एंड ओनली अमानुल्लाह ग्रेट। क्योंकि बहुत थोड़ा अरसा काम किया लास्ट 5-6 साल ही जी, मेरे ना तो बच्चों तरह प्यार करते मैं जी। नाजरीन इस टाइम हमारे साथ बब्बू राणा साहब मौजूद हैं जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, आइए इनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह खान साहब की 3री बरसी है और ऐसे लगता है जैसे वो हमारे अंदर मौजूद हैं, कैसा महसूस होता है उनकी कमी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। अमानुल्लाह साहब किसे तारफ का मोहताज नहीं, सबनों पता है, वन एंड ओनली अमानुल्लाह ग्रेट, शहनशाह कॉमेडी, बेताज बादशाह, उन्होंने कुछ भी किया जाए वो घट है। अमानुल्लाह साहब बहुत बड़े फनकार सन, बहुत बड़े कलाकार सन। तो अज उन्होंने 3 साल हो गया, असी अलहमरा हॉल नंबर 2 च खड़े से उन्होंने बरसी के हवाले नाल, बस हुण यादा उन्हां दी रह गई हैं और कदी लोगों के दिलों चो और जेहन के जा नहीं सकते क्योंकि पायनियर लोग ऐसा काम करके गए हैं। बिल्कुल ऐसी गल ही है कि उन्हों की यादा कभी खत्म नहीं हो सकती, कोई एक याद असं चाहवा कि तुम साढ़े ना शेयर करो जिन्हों देख के असी भी मुस्कुराइए। अमानुल्लाह साहब के नाल मैं चूंकि बहुत थोड़ा अरसा काम किया लास्ट 5-6 साल ही जी, तो मेरे ना तो बच्चों तरह प्यार करते मैं बड़ा बड़ा उन्होंने यानी कि हेल्प किया फाइनैशली भी उस तरह भी फिजिकली भी दूसरा काम के हवाले नाल। तो हूँ अब जरा दिन ऐसा है तो कोई हासा मखौल तो चलता ही रहता उन्हों का हर शायद पही। मैं यही कहूँगा सबनों उन्होंने वास्ते दुआ करो। इसके साथ साथ मुझे ये बता दें आज कवि खान साहब भी हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंसान थे कवि साहब? अल्लाह उन्होंने जनता ही घर करे, मेरे ना बहुत उन्होंने प्यार से, मेरी अक्सर उन्होंने गल भी होंगी सी, किसी सैट पर मुलाकात भी होंगी सी, बहुत बहुत प्यार करते सन। तो साढ़े तो वो कह लो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सासा सन, वो भी हम दुनिया तो चले गए। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फिरदौस आला मुकाम दे। थैंक यू। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक।